मम्मी डांट रही है, मम्मी चिल्ला रही है ना, जल्दी भागो 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 भागो, जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। मम्मी गुस्से में है क्या? गुस्से में बहुत ज्यादा। अरे जल्दी आजा जल्दी आजा, सारे जल्दी आजा यार। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी का गुस्सा कितना भयानक है। यहाँ पे दो ही मिनट के अंदर मेरे सारे भाई आ गए हैं और एकदम बैग ही जमाने लग गए। मनसिया किस बात पे गुस्सा हो गए मम्मी? तुम लोग लेट कर रहे हो इसलिए। लेट कर रहे हैं इस चक्कर में? हाँ। तो हमने तो लेट किया ही नहीं, मम्मी नहाने गई हुई है। ना ना बिल्कुल रेडी है, तुम्हारे चक्कर में बैठे हुए हैं। तुम आ नहीं रहे थे क्या? हुआ अभी थोड़ा टेंशन का माहौल है इस समय, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी मैं दो मिनट बाद ब्लॉग बनाऊंगा। एक बार जल्दी हम लोग सारी चीज़ें जमा लें और एक बार मम्मी आगे गाड़ियाँ बैठ जाए, मतलब सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद में हम ढंग से बात कर पाएंगे। फिलहाल अभी ब्लॉग बनाना खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं कब मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आ जाए। देख सकते हैं आप लोग कितना टेंशन का माहौल हो रहा है, मैं भी इनका हाथ बैठाता हूँ। तो दोस्तों आज हम सारे भाई जा रहे हैं दिल्ली और हमारे साथ में मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड भी जा रही है। मम्मी का फोन आ गया है, मतलब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि भाई जल्दी जाओ मेरी फ्रेंड को उसके घर से लेके आओ और उसके बाद में मेरे को घर के नीचे आके मिलो और साथ में डीजल भी डलवा लेना। मतलब मम्मी बहुत खतरनाक गुस्से में हो रखी है, हम लोग की एकदम गंदी वाली फट रखी है। दर्शन तेरे को डर लग रहा नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा यार, लेट हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मम्मा एक बात बताओ, अपन लोग सेकंड हैंड कार क्यों नहीं ले रहे? मतलब एक बात बताओ, मेरी पूरी महीने की इनकम मैं हर बार जो है कार में दे दूं, ये अच्छी बात थोड़ी है। मेरे शुरू से उसूल है मेरी जिंदगी का, ये गाड़ी आए ना तो वो फर्स्ट हैंड ही आनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि गाड़ी के साथ में एक इंसान की किस्मत जुड़ी हुई होती है। सामने वाले ने बेची, पता नहीं उसके साथ क्या अपशगुन हुआ, उसकी वजह से वो बेच रहा है और वो अपशगुन अपने पे आया, उसका क्या लेन देन अपने को। तो पूरा अंधविश्वास में बिलीव करती है मेरी मम्मी, बहुत ही अंधविश्वासी है मेरी मम्मी। और दूसरे की सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो कोई भी आदमी बेच रहा है तो किसी कारण से बेच रहा है, उसको बार बार ठीक कराते रहो, उसको चेक कराते रहो, पता नहीं क्या क्या कराते रहो, इससे अच्छा है कि अपनी नई गाड़ी लो। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यूट्यूब से जो है थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है जो अपन लोग इसमें लगा दिया करेंगे। मम्मा कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है, कम से कम तो इस लायक हुआ कि किश्त विश्त दे सकता है। हाँ सही बात है, अभी इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा परेशानी का टाइम है, इस समय पे पैसों की बचत करनी चाहिए। इलेक्शन में काफी पैसा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग, इस बार जो मैं पापा पे बोझ बनने की जगह पे पापा की शक्ति बन रहा हूँ, मैं पापा की मदद भी करा रहा हूँ और साथ ही साथ जो गाड़ी में ले रहा हूँ उसके अंदर भी खुद पैसे लगा रहा हूँ। तो मतलब पापा को भी कोई टेंशन नहीं होगी, है ना अम्मा? या अभी भी हो रही है कोई टेंशन? नहीं नहीं, तेरे होते कहीं की टेंशन। वाह वाह वाह। और दोस्तों साथ ही साथ 19 को आप लोगों को आना है मेरे पापा के ऑफिस में, रोज रोज बोल रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ पे मैं बंसी भैया मेरे सारे दोस्त हम लोग आपके साथ बैठ के आईपीएल देखेंगे और साथ ही साथ आप में से 10 लोगों को सिलेक्ट करके वहाँ पे जो लॉटरी निकलेगी उन लोगों को जो है हम लोग टिकट्स देंगे आईपीएल की, ताकि आप लोग जाके स्टेडियम में देख पाओ। तो बंसी भैया, तो बहुत ही ऐतिहासिक चीज होने वाली है। ऐतिहासिक चीज तो है ही है, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप सब वहाँ आके और क्रिकेट का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, है ना? कौन कौन आ रहा है जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दो। बंसी भैया। हाँ भाई। यार गाड़ी के अंदर इतनी घुटन हो रही थी ना यार मम्मी के साथ में, यार क्या बताऊँ मैं आपको, साला कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मेरा मुंह में दर्द हो गया। मुंह में दर्द क्यों हो गया? चुप रह के दर्द हो गया मुंह में। अब एक मिनट रोक ले भाई। क्यों रोक लो? क्यों क्या कर रहे हो? ओ ओ ओ दोस्तों ये हमारा आज का न्यू कंटेंट, खुले में शौच करना गलत होता है बंसिया। तो कौन कर रहा है भाई? तो आप किस चीज का इज्जत भी खुली है? तो देख लिया, तो जनता ने देख ली। चलो ठीक है दोस्तों, अब कोई बात नहीं, जो भी बंसिया कर रहे हैं वो करने देते हैं, खुले में शौच, मेरा तो मानना है। हम भी इनका हाथ बटाते हैं, आ जाओ। नहीं अपन नहीं बटाएंगे, पक्का नहीं बटाएंगे, कैमरा बंद कर उसके बाद बटाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है दिल्ली में। यार बंसी आप किसी काम के नहीं हो, बंसी आप किसी काम के नहीं हो। क्या करूँ तो मेरे भाई, गाड़ी को उड़ा के तो ना ले जाऊं, पंख तो है नहीं। बस यही तो दिक्कत है, आप कुछ कर ही तो नहीं पा रहे। कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है, दर्शन को दो गाड़ी। दर्शन आ जा भाई, मन नहीं कर रहा है यार। मन नहीं कर रहा क्या? हॉर्न ही नहीं दिया जा रहा आपसे, साला देखो सब लोग घुसाए जा रहे हैं गाड़ियां, हॉर्न दो ना बंसिया। ये निकाल दिए अपन लोगों ने गाड़ी आगे, ट्रैफिक को छोड़ दिया है पीछे। आओ पीछे पीछे तुरती आ फेम अज कल आउंदा है सतारा विच नेम अज कल। माने क्या हो गया दोस्तों? यहाँ की हरियाली देख के मान्य हक्का बक्का रह गया है। मान्य पागल हो गया है। मान्य जयपुर में नहीं होता ये सब। मान्य तू इस हरियाली को पानी दे नहीं पाएगा लेकिन। मान्य एक बात बता, जयपुर में और यहाँ पे क्या फर्क है भाई ये बता? जयपुर में क्वालिटी नहीं है। भाई अरे यार चीजों की मॉल। चीजों की मॉल क्या मतलब है उसका? दोस्तों मान्य को दबा के हेट दो कमेंट के अंदर, ज्यादा बिगड़ रही है। शोरूम की कंपनी ठीक है ठीक है। Chamber,
देख सकते हैं आप लोग, दो गधे बिल्कुल ही एक जैसे हैं, दोनों के दोनों फोन पे लगे हुए हैं। एक अपनी बंदी से बात कर रहे हैं, एक अपनी बीवी से बात कर रहा है। वाइफ से बात कर रहे हो ना, मुझे पता ही था। सुन, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं ना। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, चूजा। अरे नाम भी क्या लिख रहे हैं गर्लफ्रेंड का? कौन है? कोई नहीं है, दोस्त है। दोस्त है दोस्तों, जिंदगी में पहली बार आज मान्य के हाथ में इसका फोन नहीं है। मान्य को यकीन नहीं हो रहा, मान्य बोल रहे ये दिल्ली है, स्वर्ग है। तो दोस्तों हम लोग गए थे यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए। देखो, नाइक में एयर जॉर्डन मेरे को मिले नहीं, इसलिए वहाँ से कुछ नहीं लिया। जो जूते मेरे को एडिडास में पसंद है वो जयपुर में भी मिल जाते हैं, इस चक्कर में मैंने वो खरीदे नहीं। अब मैं जा रहा हूँ वापस से जो है अपनी गाड़ी की तरफ। ये सिर्फ मम्मी ने शॉपिंग कर ली है। भाई दर्शन यहाँ पे आना बिल्कुल टाइम वेस्ट रहा, लिया टाइम वेस्ट नहीं रहा, मान्य को खुशी मिली ना यार। हाँ यार, मान्य तेरे को खुशी मिली ना, फिर देख पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ भाइयों, कौन सी गाड़ी लूँ, ये वाली या फिर वो वाली? कौन सी लूँ बता दो? ये वाली और वो देख। अरे मैं तो आगे जाऊंगा ना, बैठो। तुम लोगों ने तो कुछ लिया नहीं और मैंने तो कर ली शॉपिंग। क्या लिया, क्या लिया? जिम बियर। जिम बियर, वाह यार आप भी बड़े हाईटेक हो रहे हो। बाय मम्मा बाय, अब हम लोग अकेले हो गए हैं, अब हम लोग बदमाशी कर देंगे। वहाँ का वो लगा ले अपने वाला स्टेशन का मैप। अब स्टेशन नहीं, चलेगा अपना एरिया वेस्ट दिल्ली। अब तो बंसिया गाड़ी फाड़ के फेंक दोगे कोने में। अब जा रहे हैं अपन वेस्ट दिल्ली, भोकाल मचाने, ख्वाला गांव, पीयूष भैया का क्षेत्र। पीयूष भैया का राज चलता है वहाँ पे, बीजेपी के नेता हैं पीयूष भैया और उनके पापा भी और उनके भाई आशीष भैया भी। इसे बन गया मैप लगा यार, चलूंगा। मेरे पास मैप ही नहीं है। तो नहीं तो फिर बैठे रहोगे? अरे बाप रे भाई, सिर्फ देखो 24 किलोमीटर चलना है, उसके लिए भी एक घंटा लगेगा और जयपुर में 24 किलोमीटर 24 मिनट में कवर होते हैं। 24 मिनट से पहले हो जाता है, 20 मिनट में आ जाओगे। मतलब 24 किलोमीटर के लिए एक घंटा 3 मिनट लग रहा है, कितनी गलत बात है ये। आप इसका विरोध कर दोगे? फाइनली दोस्तों, इस लंबे ट्रैफिक के बाद में मरते मरते पूरे एक डेढ़ घंटे बाद में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे पीयूष भैया के घर पे। अब चलते हैं, आपको बॉडी बिल्डर पीयूष भैया से मिलवाते हैं। आजकल देखते हैं इनकी बॉडी कैसी हो रखी है, मैं देखता हूँ इनकी स्नैप आती रहती है जिम विम जाते हुए। आशीष भैया तो कुछ ज्यादा जिम कर रहे हैं, देखते हैं उनकी बॉडी कैसी है। मतलब दोनों भाई पूरे बॉडी वाले हैं, इनकी बॉडी दिखा के अपन मान्य को जलाएंगे आज। यार दर्शन, पीयूष भैया अच्छे आदमी नहीं है यार, है ना? उनके घर के नीचे हम 5 मिनट से खड़े हैं, भैया आ ही नहीं लेने। मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करूंगा। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? अब उन्हीं से पूछेंगे, आने दो उनको। ये मानने को तो बाहर निकाल। कोशिश कर रहा है क्या बोला? गेट खोला भाई को, गेट खोला नहीं आ रहा। ये है वो बत्तमीज आदमी जिसने हमें 5 मिनट इंतजार कराया। आजा भाई आजा। क्या हो गया मानने? सीट आगे कर, सीट आगे कर, आगे। देख सकते हैं आप लोग, भैया का डेमो चलता है यहाँ पे। उनको क्यों नहीं उठाया आशीष भैया को? यार वो गया हुआ है, अभी आएगा थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, फिर उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों पीयूष भैया के घर आते ही हमने इनको जो है परेशान करना शुरू कर दिया है। हमने बोला कि भैया हमको मोमोज खिला के लाओ, वो भी ग्रेवी वाले, क्योंकि वो जयपुर में नहीं मिलता है ना। परेशान की बात है इसमें। ये देख लो भैया के पापा जी यहाँ पे। और भैया जी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कर रहे हो आजकल, देख रहा हूँ मैं। बढ़िया यार बढ़िया, सुबह भी जाने एक प्रोग्राम है यार। तो अपन साथ चले फिर? चलो चलो बिल्कुल यार। कितने बजे? सुबह यार 7 बजे। कैंसिल। सुबह 7 बजे तो यार सोएंगे यार। अब आपके भाई ने जो है नई गाड़ी लेने का डिसाइड किया है, तो आपको पता ही है मेरी जो शक्ल है, है ना, उसके हिसाब से आप जो है मेरी कमाई गेस करके ये बता दो मैं कौन सी गाड़ी लेने लायक हूँ, ठीक है ना? मैं कौन सी गाड़ी लेने सक्षम हूँ? रेंज रोवर विलार। यार भैया तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार। स्कॉर्पियो ले लो टोरेबाजी के लिए। अच्छा अच्छा, और कोई ऑप्शन? वरना तो यार थार तो है ही। लेकिन थार में तो दिमाग खराब हो गया, सोच रहा हूँ साला उस समय थार की जगह स्कॉर्पियो खरीद लेता ज्यादा सही रहता। पापा ने बोला भी था कि ले ले बेटा ले ले, मैं बोला नहीं पापा थार ही चाहिए। तो यार स्कॉर्पियो ले आते हैं, अब क्या दिक्कत है? अरे अब देखेंगे यार कौन सी लानी है। मतलब देख ली मैंने, तो देख ली, यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा भैया, अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसी वीडियो बंद होगी ना उसके बाद बता दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, पता चल गया क्या आपको? बढ़िया गाड़ी है, लेके आओ। ब्लैक कलर लेना है? ब्लैक ही ले रहे हैं भैया, ब्लैक ही लेंगे यार, मजा आ जाएगा। फिर हमारी गाड़ी और आपकी गाड़ी दोनों ब्लैक 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 रैली में साथ साथ चलेगी। अरे बिल्कुल। तो अभी फिर कहाँ लेके जा रहे हो, कौन सी जगह है ये? भाई ये पश्चिमी यार में है अभी। तो बंद तो नहीं हो गए मोमोज? भाई खुलवा देंगे यार, बंद हो गया तो क्या दिक्कत है। देख सकते हैं आप लोग फुल बीजेपी राज कर रहे हैं भैया यहाँ पे हैं, पार्टी बात कर रहे हैं भैया यहाँ पे हैं। अभी मैं और भैया जो है ना घर पे जाके लड़ाई करेंगे। आपने देखा नहीं बीजेपी कांग्रेस कैसे लड़ती है? वैसे हम दोनों भी लड़ेंगे आज। मेरे कमेंट सेक्शन में आपको पता है भैया लड़ाई हो जाती है, कोई बोलता है आई सपोर्ट बीजेपी, कोई बोलता है आई सपोर्ट कांग्रेस, कोई बीच में आम आदमी पार्टी आ जाती है। सारी पार्टी एक जैसी होती है, सारी पार्टी अपने अपने बलबूते बहुत बढ़िया है,
लेकिन कभी किसी की पावर होती है कभी किसी की होती है, वो हमारी जनता डिसाइड करती है। बिल्कुल। आज से पहले हमारे 10 साल पहले कांग्रेस का राज था, उसने हमारे जो विकास करे क्षेत्र के अंदर हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े, लेकिन अब जो बीजेपी कर रही है वो अपने लेवल पे कर रही है। आज भगवान ने कभी चाहा क्या पता आम आदमी पार्टी को ही मौका मिले, मुझे लगता नहीं वैसे मिलेगा क्योंकि आज केजरीवाल को संबंध भेज दिए CBI ने। अच्छा, हफ्ते भर में उठा लेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो मेरा ये मानना है पार्टी कोई सी भी हो आदमी अच्छा होना चाहिए, भाई दिल मिलना चाहिए जैसे आपको और हमारा मिला हुआ है। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फिर लड़ाई कैंसिल, अब मैं आपके घर जाके लड़ूंगा नहीं है ना। तो पार्टी कोई सी भी हो आदमी अच्छा होना चाहिए, वोट देने से पहले आदमी को देखना सीखो ना कि पार्टी को। बिल्कुल, जिस रूम में सोते हैं वहाँ पे IPL का सिस्टम है नहीं है इसका, IPL देखने का। IPL यार नीचे देखें क्या दिक्कत है ड्राइंग रूम में, मैं कह रहा हूँ पैसों बताओ नहीं लगा गर्म तो नहीं हो रहे नहीं कार्तिक। यार पीयूष भैया क्या बढ़िया आदमी हो यार आप, मजा ही आ गया। मतलब यार ये वाले जयपुर में क्यों नहीं मिलते यार, और अगर जयपुर में मिलते हैं तो ऐसे कौन से कोने में छुपे हुए जो मेरे को नहीं मिलते? जयपुर में अगर मिलेंगे तो दिल्ली कैसे आओगे, इस बहाने आ तो जाते हो। लगता है ये इन्हीं ने बंद करवा रखे हैं ताकि मैं दिल्ली आता रहूं। थैंक यू पीयूष भैया, मजा आ गया। ये देख सकते हैं दोस्तों पीयूष भैया का बिल्कुल पोस्टर लगा हुआ है बड़ा बड़ा यहाँ पे, जलवा तो है भैया आपका है। अब बढ़िया मोमो वोमो खाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं पीयूष भैया के घर। मोमो तो अभी ट्रेलर था, घर पे भैया पिक्चर दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे आशीष भैया भी हमारे सामने आ चुके हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया सुना दो, कहाँ गए थे आप यार हमारे साथ? चले नहीं, रजौरी गया, रजौरी। अच्छा अच्छा, क्यों? पूल खेल रहे। वाह यार, और आजकल उसमें नहीं जा रहे आप, चिल वाले ऑफिस में? चिल वाले ऑफिस में बड़ा भाई जाता ना, वहाँ तो पीयूष भैया जाते हैं यार। और भैया चैनल की ग्रोथ रोथ देख रहे हो नहीं देख रहे? भाई देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़ते रहो भाई। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपका भाई भी नई गाड़ी ला रहा है। आप पता ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, लेकिन आपकी गाड़ी की तरह एकदम ब्लैक गाड़ी लेके आ रहा हूँ। या फिर एक काम करता हूँ आप ही के लिए जाता हूँ। आप ही के लिए उठे। हाँ जी पीयूष भैया, फुल खातिरदारी कर रहे हो हमारी आप तो। आज से 6 महीने पहले पीयूष भैया जयपुर आए थे, इनने बोला ये चार्जर दियो मेरे को 10 मिनट के लिए, और मैंने इनको ये चार्जर इनकी गाड़ी में पकड़ाया, और 10 मिनट बाद में भैया निकल गए दिल्ली के लिए। और पिछले 6 महीने से मैं एक नकली चार्जर से मेरा फोन चार्ज कर रहा हूँ, 6 महीने से परेशान हो रहा हूँ, और ये पीयूष भैया बिल्कुल एकदम अपना हक जताते हुए इस चार्जर से अपना फोन जो है 6 महीने से चार्ज कर रहे हैं, हाथ भी नहीं मिला रहे, इतने गंदे आदमी हाथ तक नहीं मिला रहे मेरे से। देख सकते हो आप अभी भी इनने अपना फोन चार्जिंग में लगा रखा है, पिछले 6 महीने से बहुत ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है। क्या आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी है इस बात की? आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? चार्जर मेरा है वो। ले भाई। है नहीं मेरा, नहीं है बता दे इन्हीं का ही है भाई। यार मेरी हर चीज आपकी है भैया, आपकी गाड़ी भी मेरी, आप अभी बोल तो रहे थे। बिल्कुल यार, उसको भी जयपुर ले जाऊंगा 6 महीने। छह महीने लेके जाऊंगा। ओके ओके। अब रिंकू भैया है उन पे करेंगे खतरनाक प्रैंक, पुलिस प्रैंक। अरे राजस्थान भाषा मुझे नहीं आती है। अरे राजस्थान पुलिस बोलना है खाली, मोटी बात करो तो। हाथापाई का कोई मैटर लगाए थे? हाँ, महेश नगर पुलिस स्टेशन। महेश नगर? हाँ, राजस्थान पुलिस महेश नगर पुलिस स्टेशन और गोपालपुरा साइड में मेट्रो बात। अरे इतना हुआ था क्या वहाँ पे? हुआ था किसी में? हुआ था ना मेट्रो वाला। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं राजस्थान पुलिस से बोल रहा हूँ। कौन? राजस्थान पुलिस स्टेशन से। हेलो। बोलो। हाँ जी, आपकी 3-4 हफ्ते पहले आपकी लड़ाई हुई है किसी से? काई की लड़ाई? आपको पता होगी आपके उसके कंप्लेंट करी हुई है आपने, हाफ मर्डर का केस है आपके ऊपर। वारंट लिए? ठीक है जी, आपको अभी अपना एड्रेस भेज दिया, हम आ रहे हैं उधर। आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आ रहे हैं अभी। एड्रेस तो आप खुद निकालना जानते हो यार, राजस्थान पुलिस से बड़ी कौन सी चीज हुई जो एड्रेस नहीं निकाल पाई। पागल हो गए आप? राजस्थान पुलिस से ये कौन से पुलिस स्टेशन होता है? क्या बोलता है राजस्थान पुलिस? राजस्थान पुलिस बोलते हो क्यों? बोलो एसी सुनो, एसले बात करो। एस हेलो। हेलो सीनियर बात कर रहा हूं। हां भाई बात करो, बताओ। रिंकू चीची बोल रहे हैं? बिल्कुल रिंकू चीची बोल रहा हूँ, महेश नगर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी दरअसल जी बताओ। तुम क्या समझते हो मैं पहचान नहीं पाऊंगा? राजस्थान पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं यार, और तुम्हारा एड्रेस बताओ।
नहीं ब्लॉग नहीं देखा आपने, मैं आईपीएल की टिकट बांट रहा हूँ पापा के ऑफिस में, अपन प्रोग्राम करा रहे। वो तो मुझे पता है। हाँ तो आ रहे हो नहीं आ रहे? आऊंगा कैसे, नहीं तो बुलाया, मैं नहीं आऊँ। बस तो आप और आपके सारे दोस्त 19 तारीख को आई जाना, फिर साथ में बैठ के आईपीएल देखेंगे। सो लेडीज आप देख सकते हैं आशीष भी अजय अपनी बॉडी दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, बड़े बेकार आदमी है ये देखो, तोड़ फोड़ मचा रहे अपने घर में। तो आशीष भैया कुत्ता प्रेमी और ये इनका प्यारा सा डोगी, इसको कल सुबह दिखाएंगे मॉर्निंग में, है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी भाई बिल्कुल। अभी क्या कर रहा है? अभी सो रहा है भाई। हाँ तो दोस्तों हमारे पीयूष भैया ने हमारी जो है आंखें खोल दी, हमारे कान फाड़ दिए, पता नहीं क्या कर दिया। पीयूष भैया ने एक आइडिया दिया बहुत खतरनाक, जल्लाद आइडिया। बताओ पीयूष भैया, जिंदा को बताओ। तुम बोलोगे 20 लाख में तुम्हें ऑडी मिलेगी बढ़िया, जो कि 70 लाख की गाड़ी है, उसको यूज करो ना, लग्जरी लाइफ लो ना। मम्मी से तो मैंने सुबह पूछा था, मम्मी ने तो साफ मना कर दिया कि भाई सेकंड हैंड लेनी ही नहीं है। और बंसी जी तो डायलॉग और मार दिए, बंसी बोल रहे गाड़ी और लाड़ी का भी सेकंड हैंड नहीं लानी चाहिए। फिर देखो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लाडी ले आए सेकंड हैंड, लाठी ले गया भाई, पर गाड़ी तो ला ही सकता है। भैया बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है, ले आओ। तो इस बात पे सोच विचार करेंगे, पीयूष भैया बोल रहे तो नहीं यार भैया, कल मैं तेरे को दिखा के लेके आता हूँ। चलो आप दिखा के तो ले आओ, इन व्यूअर्स को दिखा देंगे। ऐसी ऐसी कार्स है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन की है। लेकिन मुझे पता है मेरे पापा और मम्मी दोनों ही नहीं मानेंगे सेकंड हैंड के लिए, तो दोनों फर्स्ट हैंड चाहिए। मम्मी ने कहा कि देखो जो गाड़ी है वो अपने साथ में हमारी किस्मत भी लेके आती है। वाह 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 पीयूष भैया वाह, बिल्कुल आपके जैसी वीडियो देख रहा है एकदम ही। मैं आपको एक चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने जो है पिछले से पिछले व्लॉग में आप लोगों को कहा था कि यार मैं जो हूँ फिक्स टाइम पे व्लॉग नहीं डाल पाऊंगा, मैं दिन में कभी भी डाल सकता हूँ, तो आप लोग रात को सोने से पहले एक बार चेक करके सोना। तो मैंने जो है पिछला व्लॉग डाला रात को 10:30 बजे और मेरे डालने के एक घंटे बाद ही उसमें जो है 10,000+ व्यूज आ चुके थे और लोगों के कमेंट में आ रखा था कि भैया आपने बोला था ना कि रात को चेक करके सोना, अब आप किसी भी टाइम पे व्लॉग डालो हम रोज देख के सोएंगे। मतलब इतना प्यार करते हो ना आप लोग मेरे से, रियली थैंक यू दोस्तों, रियली थैंक यू। और आपके इसी प्यार के लिए जो है मैं मेरे पापा से अच्छे अच्छे काम करवाता रहूंगा, जैसे कि इस बार आईपीएल की टिकट बट रही है, तो आपको आना है किसी भी हालत में, मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता हूं 19 तारीख की रात जो है, लिख लेना अपने कैलेंडर के अंदर, आप सारे लोग मेरे कार्यालय पहुंच जाओ और वहां बैठ के अपन लोग जो है बातचीत करते हैं। अभी के लिए गुड बाय।